हेलो एवरीवन, मार्केट एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस मार्केट एनालिसिस की पहली वीडियो में हम निफ्टी डिस्कस करेंगे कि निफ्टी में क्या रेंज ऊपर और नीचे की तरफ हो सकती है, और टेक्निकल डेटा पढ़ेंगे जो भी चार्ट्स पे अवेलेबल है उसे भी देखने की एक बार कोशिश करेंगे कि निफ्टी की क्या रेंज बन रही है आने वाले वीक और इस मंथली एक्सपायरी में। कि जैसे कि देख सकते हैं कि अभी मेरे टर्मिनल पे निफ्टी का चार्ट ओपन है। चार्ट जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एक डेली चार्ट है। निफ्टी ने अभी क्लोजिंग दी है 17,000 के नीचे, जो कि एक अच्छी क्लोजिंग तो नहीं है, बट हम लोग पिछले भी एक क्लोजिंग देख चुके हैं जो 17,000 के नीचे आई थी, बट उसके बाद दो तीन दिन में मार्केट ऊपर की तरफ हमने देखा था। 17,400, 17,450 की तरफ जाता हुआ देखा था, बट निफ्टी फिर से सेकेंड टाइम 17,000 के नीचे की क्लोजिंग दे चुका है। तो अब यहाँ से क्या ट्रेड कर सकते हैं हम लोग? तो यहाँ से ट्रेड, पहले तो हम चार्ट्स देखेंगे कि क्या हो सकता है, कि पिछली बार जैसे अभी कोई बाउंस आ सकता है। जैसे कि हमने ये देखा कि 6 तारीख को निफ्टी ने 17,000 के नीचे क्लोजिंग दिया, बट अगले दो तीन दिनों में ऊपर, तो उसके अगले दिन गैप अप ओपनिंग और निफ्टी ऊपर चला उछलता चला गया। एक एक रेंज में ही काम करता गया, बट अब सेकेंड टाइम हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि निफ्टी की क्लोजिंग आई है 17,000 के नीचे। तो इस बार भी ऐसा कुछ हो सकता है कि निफ्टी 17,000 से फिर एक बड़ा पुल बैक दे सकता है, यहाँ से फिर से 17,400, 17,500 तक, या निफ्टी नीचे की तरफ जाता दिखेगा हमें। तो पहले हम लोग एक बार वीकली चार्ट भी एक बार डिस्कस कर देख लेते हैं कि क्या हो रहा है वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे आप देख सकते हैं एक बियरिश इनगल्फिंग कैंडल है जो कि दो कैंडलों को खा चुकी है। देखिए, ये दो कैंडलों के नीचे इसने क्लोजिंग दी है। मतलब इस कैंडल को हम लोग ज्यादातर तो बियरिश मानते हैं, बहुत ज्यादा बियरिश मानते हैं, क्योंकि ये दो कैंडलों को अब कवर करते हुए नीचे आके क्लोजिंग दिया है, और इसमें किसी प्रकार की ना तो ऊपर विक है ना नीचे विक है। नीचे विक तो बिल्कुल भी नहीं है, अब बिल्कुल जीरो जीरो, बहुत छोटा सा विक है, उससे कोई फायदा बनता नहीं है। अभी निफ्टी की क्लोजिंग तो बहुत खराब हुई है एक वीकली चार्ट पे, बट मंथली चार्ट पे एक कैंडल बन रहा है, वो भी मैं एक बार को आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसा कैंडल बन रहा है। देखिए, इसे हम लोग बोलते हैं, इस कैंडल का नाम भी मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। इसे हम लोग, अभी जो कैंडल बन रहा है इसे बोलते हैं शूटिंग स्टार। लाइक मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ, जैसे कोई तारा टूटता हुआ गिरता है, उस टाइप का ये कैंडल बन रहा है। ये भी नेगेटिव ही माना जाता है जब अपवर्ड मार्केट में ऐसा कोई कैंडल बनता है, इसका मतलब यही होता है कि मार्केट में एक छोटी सी गिरावट और ऊपर से नीचे को देखने को मिल सकती है। तो अब क्या किया जाए यहाँ से? देखिए, निफ्टी निफ्टी का एक रेंज है, आप देख रहे होंगे अभी तक पिछला लो बना था 17,600, 16,782, और अभी निफ्टी ने क्लोजिंग दिया 17,000 के नीचे। तो अब यहाँ से क्या करें? तो देखिए, निफ्टी में आप, मेरे हिसाब से तो एक डाउनवर्ड चैनल है, जो कि अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रहा डाउनवर्ड चैनल, इसे डार्क कर देता हूँ थोड़ा सा। आप देख पा रहे होंगे जैसे कि निफ्टी का एक डाउनवर्ड चैनल है। इस डाउनवर्ड चैनल का जब तक ब्रेकआउट नहीं आता है, तो मतलब जब तक ब्रेकआउट नहीं आता है, तब तक इसमें लॉन्ग तो थोड़ा सा अवॉइड ही करेंगे हम लोग, क्योंकि मार्केट का थोड़ा सेंटिमेंट थोड़ा सा खराब है। तो निफ्टी में ब्रेकआउट आने के लिए कम से कम निफ्टी को 17,500 के ऊपर एक दो बार टिकना पड़ेगा। जब तक 17,500 के ऊपर नहीं टिकता है, तब तक निफ्टी में समझ लीजिए कि कोई अच्छी बाइंग ऊपर से फिर नहीं है, अभी तो नहीं आने वाली। तो निफ्टी में अभी अगर आप पोजिशनल या स्विंग ट्रेडर हैं, तो 17,500 के ऊपर का एक स्टॉप लॉस लगा के निफ्टी में अपनी पोजिशन को बस आप फॉरवर्ड करते रहिए आगे की तरफ। तो यहाँ से निफ्टी के क्या टारगेट्स हो सकते हैं, जैसे कि ये डाउनवर्ड चैनल में चल रहा है, तो निफ्टी के आने वाले समय में क्या टारगेट हो सकते हैं? मेरे हिसाब से तो मेरा जो अभी पोजिशनली मुझे लग रहा है मार्केट में, मेरा कुछ, ये केवल मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है कि निफ्टी में कहाँ तक के टारगेट बनेंगे। मुझे लगता है कि कम से कम अभी पहले 16,000 और फिर कम से कम 15,500, मेरा मुझे मुझे मैक्सिमम लगता है कि एक बार निफ्टी 15,500 जरूर टच करेगा। जिस प्रकार से इस मार्केट में ये एक बहुत अच्छी गिरावट नीचे की तरफ मिल रही है, मार्केट संभल नहीं पा रहा, ऊपर ऊपर जा रहा है, मतलब उस तरीके से सेलिंग फिर से नीचे की तरफ मार्केट को खींच रही है। तो मुझे लगता है अगले 2 महीने में या इस एक्सपायरी में, मुझे लगता है कि कम से कम 16,500 के नीचे के आसपास की हमें एक इस एक्स मंथली एक्सपायरी में शायद एक क्लोजिंग होते भी दिखेगी, या फिर 16,000 के नीचे भी, 16,000 के आसपास भी मिले। बट आने वाले 1-2 महीने मुझे लगता है कि कम से कम निफ्टी में 16,000 और 15,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो बट यहाँ से अभी क्या ट्रेड हो? देखिए, अभी मैक्सिमम कम से कम आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए 17,200। जब तक निफ्टी 17,200 ना निकाले, तब तक निफ्टी में आप शॉर्ट बने रहिए, और निफ्टी जैसे ही अपना पिछला लो निकालेगा, जो कि देख सकते हैं हम 16,782, अगर ये निकालता है तो निफ्टी एक बार जरूर 16,500 टच करेगा। तो हमारा अब टारगेट कम से कम 16,500 का होना चाहिए, और निफ्टी में स्टॉप लॉस कम से कम 17,200 के ऊपर का होना चाहिए, वो भी क्लोजिंग बेसिस पे।
ऐसे नहीं कि निफ्टी एक बार चला गया तो आप एकदम से एग्जिट हो गए, कम से कम 16,200 के ऊपर एक बार निफ्टी को रुकना चाहिए। तो ये एक हमारे हिसाब से एक निफ्टी में एक टारगेट और स्टॉप लॉस हो सकता है और एक रेंज है जब तक ये नहीं निकलती। तो 17,200 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो शायद निफ्टी में फिर से 17,500 17,700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट अगर 17,200 के ऊपर अगर नहीं टिक पाता है निफ्टी तो फिर निफ्टी में फिर से हमें 16,782 जैसे ये लेवल टूटा तो कम से कम 16,500 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। तो अभी आप देख पा रहे हैं जैसे कि ये डेटा ही है तो अभी इसी चैनल में हम लोग काम करेंगे। बट अगर आप बोले कि मंडे को क्या ट्रेड हो सकता है, देखिए अगर मंडे को मार्केट गैप डाउन खुलता है तो आप बिल्कुल अपनी एक फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। अगर 5 मिनट की शुरू की फर्स्ट 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 कैंडल निगेटिव कैंडल बनती है तो मुझे लगता है कि निफ्टी में फिर से ये पूरे 200 पॉइंट निकल जाएंगे, मतलब 17,800 या 782 का लेवल सुबह ही टच हो जाएगा अगर मार्केट की पहली 5 मिनट की कैंडल निगेटिव बनती है। तो अगर रेड कैंडल बनती है तो मुझे लगता है कि अगले 15-20 मिनट में ही निफ्टी ये वाला लो टच कर देगा अपना जो कि पिछला लो है। अगर ये लेवल निकल जाता है फिर मार्केट थोड़ा सा संभलने की कोशिश करेगा बट ऊपर जाता है और फिर से एक बार फिर से फिर डीप सीलिंग मुझे लगता है फिर आ सकती है। और फिर उसके बाद नीचे कम से कम वही 16,500 तक के आने वाले वीक में हम लोगों को निफ्टी हो सकता है कि एक बार 16,500 टच करता हुआ दिखे। और ऊपर 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 कम से कम 17,200 के ऊपर, कम से कम 17,200 के ऊपर एक बार क्लोजिंग आई तो उसके बाद हम देखेंगे निफ्टी में 300 पॉइंट आते हुए कम से कम 17,500 तक। तो अब ये देख सकते हैं चैनल, आप जैसे कि देख पा रहे हैं निगेटिव चैनल, इसका भी ब्रेकआउट बहुत जरूरी है और कम से कम अगर छोटी मोटी बाइंग आती है तो कम से कम 17,200 के ऊपर एक बार निफ्टी को टिकना बहुत जरूरी है, वरना तो निफ्टी में ये सेलिंग काफी हद तक चलती रहेगी। आप जैसे ही देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा FIs मतलब अपनी पोजिशंस काट रहे हैं, बहुत अच्छी सेलिंग कर रहे हैं, अच्छे स्टॉक्स में अच्छे स्टॉक्स भी बेच रहे हैं, मतलब वो काफी हद तक अच्छे स्टॉक्स भी देख रहे हैं। आपको बजाज फिनसर्व बजाज फाइनेंस दे सकते हैं जिसमें उनकी होल्डिंग्स काफी अच्छी बड़ी है, FIs का बहुत बहुत ज्यादा बड़ी होल्डिंग है बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में, उसमें भी अच्छी सेलिंग और अच्छी सेलिंग देखने को मिल रही है, उसमें भी नीचे के बहुत अच्छे टारगेट्स खुल रहे हैं, वो भी हम किसी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट इसमें अभी निफ्टी के हिसाब से कम 17,200 के स्टॉप लॉस से आप अपनी शॉर्ट पोजिशन को बनाए रखें और स्टॉप लॉस को बिल्कुल ट्रेल करते रहें। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।